अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक्सिस बैंक अकाउंट से 1600 रुपए कट गए। जब मैंने स्टेटमेंट चेक किया तो वहाँ पे था कॉन्सोलिडेटेड चार्ज लिखा हुआ और उसके नीचे में 18% का GST भी कटा हुआ था और मेरे अकाउंट से कुल मिला करके 1500-1600 रुपए कट हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज़ का कटा है। मुझे कुछ मैसेज आए, मैं उस मैसेज को देख करके समझ नहीं पाया कि आखिर ये एग्जैक्ट कटा है तो कटा किस लिए है। फिर मैंने चेक किया तब मुझे समझ में आया कि वो किस किन किन कारणों से किस वजह से कटा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 ऐसे वजह बताऊंगा जिससे कि कॉन्सोलिडेटेड चार्ज आपके कटते हैं और आप इन वजहों को जानने के बाद ये चार्जेज कटने से बच सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हे गाइस, मैं हूं सनी सौरभ और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल सनी सौरभ टेक्निकल। दोस्तों, जो मैं आपको 13 कारण बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक्सिस बैंक की कहानी ही नहीं है बल्कि ज़्यादातर बैंकों में इसी तरह के चार्जेस काटे जाते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी ढंग से दिया नहीं जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो जो कारण है, जो जो मेन वजह होता है कटने का चार्जेज आपके अकाउंट से, वो सारे के सारे आपको पता लग जाएगा और आप अब चार्ज कटने से बच जाओगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए बिना आपको कष्ट दिए और समय को नष्ट किए हम लोग चलते हैं और जानते हैं इन वजहों को। तो सबसे पहला जो वजह है वो है ATM चार्जेज। अगर आप बैंक टू बैंक अगर ATM यूज करते हो, बैंक का जैसे कि आपका एक्सिस बैंक है और आपने एक्सिस बैंक में ही यूज किया है तो आपको 5 बार तक उसमें फ्री दिया जाता है ATM यूज करने का। लेकिन अगर आप जैसे ही छठे टाइम उसमें एंटर करोगे और आपने जैसे ही वहां पे पिन अपना दबाया, वैसे ही आपके 20 रुपए प्लस 18% GST आपका कट हो जाएगा अकाउंट से। वहीं अगर बात कर ले दूसरे बैंकों की, अगर आप अपना एक्सिस बैंक या किसी भी बैंक का कार्ड किसी दूसरे बैंक में यूज़ करते हो, जैसे कि एक्सिस बैंक का कार्ड आपने SBI में यूज़ किया तो वहाँ पे आपको 3 टाइम जो है वो फ्री मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 4th टाइम वहाँ एंटर करोगे फिर से आपके 20 रुपये प्लस 18% GST कट जाएंगे। मतलब कि अगर आप बैंक टू बैंक ATM यूज़ करते हो तो आपको 5 बार फ्री है और बैंक टू अदर यूज़ करते हो तो 3 बार फ्री है। कुल मिलाकर अगर महीने में आपने 8 बार यूज़ किया ATM का तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। अब होता है कैश डिपॉजिट लिमिट। अगर आपका एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है जो कि आपने बहुत ही लो अमाउंट पे ओपन करवाया है तो उसमें जो लिमिट होता है कैश डिपॉजिट करने का वो होता है 49,950 रुपये। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अगर अमाउंट एक बार में डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर भी आपको चार्ज देने हो सकते हैं और वो चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इसी में दूसरे टर्म में बात कर लें तो यहाँ पे होता है कैश डिपॉजिट लिमिट में आपको 10 बार फ्री दिया जाता है पूरे मंथ में डिपॉजिट करने का। अगर जैसे ही आपने 11वां बार डिपॉजिट किया तो यहाँ भी आपको चार्ज देने हो सकते हैं। तो महीने में आप 10 बार से ज़्यादा कभी भी डिपॉजिट ना करें और अगर आपको एक बार में डिपॉजिट करना है तो 49,990 रुपये से ज़्यादा आप डिपॉजिट ना करें। जैसे कि अगर आपको 2 लाख रुपये जमा करने हैं तो आप एक बार में 50,000 डाल दो, मतलब 50,000 से 10 रुपये कम, फिर दूसरे बार में 50,000 से कम, ऐसे करके आप एक दिन में 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार में आप डिपॉजिट ना करें 2 लाख, क्योंकि अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं, वहाँ पे आपका एक लिमिट बैंक सेट कर देती है। अब जो तीसरा वजह है उसकी बात कर ले तो वो है लो मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि कुछ लोग इसको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे आपको 1,000 या 2,000 या 10,000 रुपये देकर के आपका अकाउंट ओपन किया जाता है और वो जो अमाउंट होता है वो आपका लो मेंटेनेंस अकाउंट के नाम से सेव हो जाता है उनके डेटाबेस में। अगर आपके अकाउंट पे 15 दिन से ज़्यादा वो अमाउंट, जैसे 10,000 रुपये आपका लो बेस अमाउंट है, उससे अगर कम है 15 दिन से ज़्यादा तो फिर आपको उस पर 150 से लेकर 1500 रुपये तक का जो चार्ज है वो देना पड़ सकता है। और ये सारी जो चार्जेज हैं ये आपको जब आएंगे स्टेटमेंट में तो सबका सब कॉन्सोलिडेटेड चार्ज लिख करके ही आता है। अब जो हमारा चौथा रीजन है ये ज़्यादातर लोगों को पता है, ये है चेक बाउंस चार्ज। जैसे कि आपने कोई बाइक फाइनेंस करवा रखा है या फिर आपने किसी को चेक इशू किया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वहाँ पे आपका जो चेक है वो हो जाता है बाउंस। तो इसमें आपको 500 रुपये तक का जो चार्ज है वो लग जाता है और उस पर आपको GST भी 18% का पे करना होता है। तो कभी भी अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो वहाँ पे ध्यान रखो कि आप अपना बैलेंस मेंटेन रखो उतने का जिस डेट में आपने चेक इशू किया है। अगर आप अपना EMI पे करना है आपको बाइक का तो आपको पता होना चाहिए कि किस डेट पे आपका जो फाइनेंसर है वो पैसे काटने वाला है, ताकि उस दिन आप अपना पैसा वहाँ रख पाओ अपने अकाउंट पे। और हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बिजली बिल हो या फिर वाटर बिल हो या किसी भी तरह का ऐसा बिल हो जो कि आपको हर महीने पे करने होते हैं, कभी भी उसको ऑटो पेमेंट मोड में मत रखना, चाहे वो
वो क्रेडिट कार्ड का बिल ही क्यों ना हो, उससे भी आपका अगर बैलेंस नहीं रहेगा और वो चार्ज का दिन आपका आ गया तो आपका वहाँ पे चार्ज देने पड़ सकते हैं। अब अगर पांचवें वजह की बात कर ले तो पांचवा हमारा वजह है डेबिट कार्ड चार्ज। सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं बल्कि जितने भी बैंक हैं सबका सब आपसे डेबिट कार्ड चार्ज करती है, जो कि आपको वो इशू करती है यूज करने के लिए, यानी कि एटीएम कार्ड जिसे आप बोल सकते हो, उसका आपसे वो सालाना 150 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक का चार्ज करती है, जिसपे आपको 18% का GST भी पे करना होता है। अब अगर छठे पॉइंट की बात कर ले तो छठा जो हमारा पॉइंट है वो है मोबाइल अलर्ट चार्ज। आप अपने फ़ोन को अपने बैंक अकाउंट से जो कनेक्ट करके रखते हो तो उसका आपने जैसे कि कुछ पैसे निकालते हो उसका मैसेज आपको तुरंत आ जाता है, तो ये होता है आपका मोबाइल अलर्ट। जैसे कि आपने कोई भी पेमेंट किया उसका आपको तुरंत मैसेज मिल जाता है, तो इसके भी आपसे बैंक चार्ज लेती है। और इसका जो चार्ज होता है वो होता है 15 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक का मंथली, या फिर अगर सालाना की बात कर ले तो 150 रुपये से लेकर के आपका 350 रुपये तक का वो चार्ज लेती है, जो कि आपको कॉन्सोलिडेट चार्ज में ही आता है। अब जो सातवां वजह है वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ज्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर में देखा गया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो आपसे सालाना 150 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक का अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज लेती है, और ये भी एक कॉन्सोलिडेट चार्ज में ही आता है। अब जो आठवां वजह है वो है डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज। जैसे कि आपको पासबुक दिया जाता है, अगर आप पासबुक अपडेट करवाते हो तो ठीक है, लेकिन आप गए आपने बोला कि मुझे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, तो वो A4 साइज पेपर पे जो आपको स्टेटमेंट देते हैं, और ये जो चार्ज है ये आपका 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ का स्टेटमेंट निकलवा रहे हो। अब जो हमारा नौवां वजह है जो हमारा कॉन्सोलिडेट चार्ज कटने का, वो है चेक रिक्वेस्ट। आपके हर चेक के रिक्वेस्ट पे बैंक आपसे 2 रुपये का चार्ज लेती है, और ये भी एक कॉन्सोलिडेट चार्ज में ही आता है, और आपको इस पे भी 18% का GST पे करना होता है। अब जो दसवां हमारा वजह है वो है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर आप अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड लेते हो या फिर अपना डेबिट कार्ड का वापस से लेते हो, जो पासवर्ड है आपका उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो उसका भी बैंक आपसे 50 रुपये का चार्ज लेती है पर रिक्वेस्ट। आप जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार वो 50 रुपये काटेंगे, और इस पर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर भी आपको 18% का GST। अब जो हमारा 11वां वजह है वो है डिमांड ड्राफ्ट का कमीशन। जो बैंक आपका जारी करती है DD, आपको पता होगा डिमांड ड्राफ्ट, तो उसके लिए भी बैंक पर DD आपसे 25 से 50 रुपये तक का चार्ज लेती है। जितनी बार आप DD करवाओगे उतने बार वो 50 रुपये तक का चार्ज आपसे लेंगे, और उस पर भी आपको 18% का GST। अब जो हमारा आखिरी वजह है वो है एनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट। जो भी आप बैंक से मांगते हो, भले ही आपका अकाउंट क्यों ना हो बैंक में, लेकिन भैया आप उनसे कोई भी सर्टिफिकेट मांगोगे जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड है, आपको पर स्टेटमेंट, पर मतलब रिक्वेस्ट, पर सर्टिफिकेट आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। और भैया इसका जो चार्ज है ये 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का हो सकता है, और 18% GST यू नो। तो जितने भी तरह के कॉन्सोलिडेटेड चार्जेज आपके बैंक से काटे जाते हैं ये सारी की सारी मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से ये कॉन्सोलिडेटेड चार्ज नहीं कटवाओगे और उससे बच जाओगे। सो ये गाइस, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। लेकिन मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या पता अगला वीडियो पसंद आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।